केलम कैरियर इंस्टीट्यूट, सपने जहां सच होते हैं, संस्कारों के साथ सफलता के लिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अभी कुछ दिनों से अगर हम बातें करें तो आजकल कुछ बातें ऐसी चल रही हैं बच्चों की और जो पेरेंट्स हैं उनके उनके मन में सिर्फ एक ही बातें हैं, नीट का एग्जाम जो है 2020 का, जो नीट का एग्जाम है वो कब होगा। तो 5 मई को जो एचआरडी, जो हमारी मिनिस्ट्री थी, उसने डिसाइड किया कि 26 जुलाई 2020 को जो नीट का एग्जाम है वो होगा। बच्चों ये फाइनल डेट है, ठीक है। यानी अगर हम आपसे बात करें तो लगभग हमारे पास अभी पूरा मई पड़ा हुआ है, हमारे पास जून का महीना भी है और बच्चों हमारे पास लमसम पूरा महीना जुलाई का भी है। तो अगर हम देखें तो नियर अबाउट हमारे पास 70 डेज से ज्यादा जो है हमारे पास टाइम है, अगर हम बातें करें तो, ठीक है। यानी मैं कहूँ 70 से 80 डेज का हमारे पास एक टाइम पीरियड है। अब बच्चों यहाँ पे बात ये होती है कि जो बच्चे पिछले, जो मैं कहूँगा जो हमारे रिपीटर्स बैच जो है, हमारे वो स्टूडेंट्स जो पिछले 2 सालों से तैयारी कर रहे हैं, या वो बच्चे जो इस साल 12th में थे, उन्हें बहुत बेसब्री से इंतजार था कि इस साल वो नीट का एग्जाम अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। या जो रिपीटर बैच के जो बच्चे हैं वो भी इस साल अगर बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब नीट का एग्जाम होगा। तो बच्चों का मैंने आजकल मैं देख रहा हूँ बच्चे जो हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं और कुछ बच्चे से जिनसे मेरी बातें भी होती है, वो बच्चे मुझे कहते हैं कि सर कितना और पढ़ना पड़ेगा, सब तो पढ़ चुके हैं, बोर होने लग गए हैं। तो देखो बच्चों बोरिंग की तो बात नहीं है, पर मैं तुम्हें एक बात बोलूं, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी तैयारी जो है वो 100% है, तो मैं तुम्हें उसे ट्रिक बताऊं। आप जब एग्जाम दे रहे हो अभी 720 का तुम्हारा अभी क्लास टेस्ट हो रहा है, तो बच्चों की मार्क्स आते हैं कितने, 400 450। तो वो मार्क्स क्या तुम्हें ये बता रहे कि उन मार्क्स के आधार पर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि क्या तुम्हारी तैयारी पूरी है। आप अपने आप को एनालिसिस करो। मेरे पास एक स्टूडेंट का फोन आया तो उसने कहा कि सर अब मेरा तो पढ़ने का मन नहीं करता, मेरी तैयारी तो पूरी है, बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं करता, मैं बार बार जब चीजें देखता हूँ तो मेरे को लगता है ये सब चीजें मुझे याद है, मुझे इन्हें पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं बस इनको एग्जाम से कुछ दिनों पहले इनको मेमोराइज करूंगा तो सारी चीजें मुझे याद रहेंगी। परसों मैं बहुत कुछ पढ़ता हूँ तो मुझे नींद आने लगती थी। बच्चों तो नींद आने का टाइम है, गर्मी का टाइम है, मैं समझ सकता हूँ, पर अगर आज आप सो जाओगे तो शायद आने वाला टाइम भी तुम्हारे लिए सो जाएगा। तो मैं जितने भी बच्चे हैं, आप इसको नेगेटिव में मत लो कि हमारा एग्जाम जो मई में होने वाला था वो 26 जुलाई को, आप फोकस करो उन बच्चों पे, या आप ध्यान दो। हम में से कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो शायद ये सोच रहे थे कि काश थोड़ा टाइम मिल जाए, या मैं अब सोच रहा हूँ कि मेरी तैयारी अच्छे से नहीं हुई तो मैं रिपीट करूँ, एक साल ड्रॉप दूँ। तो मैं उन बच्चों से स्पेसिफिक मैं आग्रह करूंगा कि ये जो टाइम पीरियड जो इन्हें मिला है, ये एक गिफ्ट की तरह नहीं कि भगवान ने शायद इस लॉकडाउन के बहाने उनकी जो विनती है वो सुन ली। तो ये जो हमारे पास 80 दिन का जो टाइम है बच्चों, इस टाइम को कंज्यूम करो, एक एम डिसाइड करो कि मुझे इस 80 दिन के अंदर बायोलॉजी फिजिक्स और केमिस्ट्री उसको इस तरह से सॉल्व कर देना है कि जो इन 80 दिनों के अंदर जो वीकली टेस्ट हमारे होंगे, या जो अभी टेस्ट सीरीज अरेंज हो रही है, जो टेस्ट लिए जा रहे हैं क्लासेस के द्वारा, विभिन्न प्रकार की क्लासेस के द्वारा, और हमारी जो खुद ही क्लास ली है वो बच्चों की टेस्ट सीरीज दे रही है टेस्ट बच्चों के लिए, तो वो बच्चे जिनके 720 में से मार्क्स आ रहे हैं 300 400 450, तो वो बच्चे एनालिसिस करें कि उनकी कहाँ कमी रह गई है। तो अभी हमारे पास एक जो गिफ्ट मिला है गवर्नमेंट की, मैं तो इसे गिफ्ट ही कहूंगा उन बच्चों के लिए जो बच्चे ये सोच रहे थे कि हमें एक साल ड्रॉप करना ही है, तो अब ऐसा करने की बिल्कुल जरूरत है। ये एक मोटिवेशनल टाइम है, अपने आप को मोटिवेट करो, अपने आप को उठाओ और प्रिपरेशन के लिए तैयार हो कि यस आई कैन डू दिस, मैं 2020 के मेडिकल एग्जाम में ही एंट्रेंस को क्या करूंगा बच्चों, क्लियर करूंगा। और मैं उन बच्चों के लिए भी जिन्हें ये लगता है था कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो मैं उन बच्चों को ये कहूंगा कि वो सिलेक्शन पे फोकस तो करें, उसके साथ वो अपनी रैंक भी अब डिसाइड कर सकते हैं। अब हमें पास नहीं होना, अब हमें रैंक भी लानी है, तो हमारे पास एक सफिशियंट टाइम है बच्चों। ये जो टाइम हमें मिला है इस टाइम को ऑब्जर्व करें। मैं केलम करियर इंस्टीट्यूशन में
पढ़ाता हूँ बायोलॉजी फैकल्टी में, हमारी जो पूरी टीम जो है वो इसी काम में लगी हुई है, और मैं अपने इंस्टीट्यूशन की जो ऑनर है उन्हें भी इस बात का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो हमारे स्टूडेंट्स के लिए इतने अवेयर हैं, यानी कहने का मतलब वो हमारे एक एक स्टूडेंट्स का इतना पर्टिकुलरली अवेयरनेस जो उनके अंदर है जो होती है होनी चाहिए वो है, उनमें अवेलेबल है, सभी बच्चों से पर्टिकुलर कॉन्टेक्ट किए जा रहे हैं, और बच्चों को जो चीज़ें जो कमियां बच्चों में अभी हैं उन सारी कमियों को यहाँ पे दूर करने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो हमारा रिजल्ट, मैं एक अनुमान अंदर मान लो कि मैंने माना कि मेरे जो क्लास में 20 बच्चे पास हो तो मैं अब उसको डबल करने की कोशिश करूंगा, तो ये जो टाइम पीरियड जो है बच्चों ये बोर होने का नहीं है, किताबें बोर नहीं करती, एजुकेशन कभी बोर नहीं करता, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप हमारी वेबसाइट पे जाएं केलम करियर इंस्टीट्यूशन की, आपको वीडियोस मिल जाएंगी, आपको यहाँ पे पेपर भी मिलेंगे, जो भी चीज की आपको जरूरत है आप इंस्टीट्यूशन से संपर्क करें, आपको हर तरह की जो यहाँ पे एग्जाम से रिलेटेड जो कंडीशंस है वो आपको प्रोवाइड की जाएगी, तो मैं सभी बच्चों को यही कहूँगा कि ये जो आने वाला टाइम है इसे अच्छे से कंज्यूम करें, डेली एनालिसिस करें कि हमने किस सब्जेक्ट में कौन सी कमियां छोड़ दी हैं, या आप जो कमियों को छोड़ने वाले थे नेक्स्ट ईयर पे, बच्चों अच्छा टाइम है, अच्छा गिफ्ट मिला है गवर्नमेंट के द्वारा, और आप इन सभी चीजों का यूटिलाइजेशन करें, तो मेरी ओर से एडवांस में बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन, आज से ही लग जाइए ताकि 26 जुलाई 2020 का जो पेपर वो हम फाड़ के आए, फाड़ मतलब इस तरह से फाड़ के आए कहने का मतलब कि बस हमने क्वेश्चन देखा और हमने समझ लिया कि हाँ इसका तो ये आंसर, और हमने वहां पे आंसर टिक कर दिया, मेमोरी बायोलॉजी में क्वेश्चन 360 आउट ऑफ 360 एक टारगेट लेके चलो, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, आपके पास क्वेश्चन अगर आपने बहुत अच्छे से कंसेप्ट किए हैं तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी, तो टारगेट सेट करो, टारगेट पे रहो, और ये लास्ट 80 डेज बच्चों ये तुम्हारी लाइफ को सेट कर देंगे, इमेजिन किया करो कि आप इंडिया के किसी बहुत बेहतरीन मेडिकल कॉलेज में हो, आपके बॉडी के ऊपर एप्रिन है, गले के अंदर स्टेथोस्कोप है, दिस इज द बेस्ट ऑर्नामेंट फॉर द डॉक्टर्स, या मैं कहूँ एक इंसान के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, आप देख भी रहे हो बच्चों कोरोना डेज में डॉक्टर्स को कोरोना वॉरियर्स कहा जा रहा है, वॉरियर, यू नो दैट अबाउट वॉरियर्स, योद्धा जो हर परिस्थिति में दृढ़ रहता है और उस परिस्थितियों को संभालने की कोशिश करता है, तो डॉक्टर साहब जो वही काम कर रहे हैं बच्चों लाखों जिंदगी को बचा रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि हमारे स्टूडेंट्स भी आने वाले फ्यूचर में यही काम करें और लोगों का जीवन बचाएं, तो बी ए गुड स्टूडेंट दैट विल मेक अ गुड डॉक्टर इन योर फ्यूचर, बेस्ट ऑफ लक बच्चों।